महिला अत्याचारों को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री का सफल गृह मंत्री साबित हुए हैं। रोज 17 बहनों के साथ अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता गुंजन चौकसे ने कहा कि पहले कांग्रेस के लोग महिलाओं का सम्मान करना सीख लें। मध्य प्रदेश में महिला अत्याचारों के मसले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट करके कई सवाल उठाए हैं और कहा है, भाजपा वाले व्यापम तो छुपा गए लेकिन नर्सिंग घोटाले का असली सच जनता को कब बताएंगे? क्या नर्सिंग कांड में मंत्री की जवाबदेही तय करेंगे? मध्य प्रदेश को जंगल राज के टैक्स से मुक्ति कब मिलेगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में 17 बहनों के साथ रोज अत्याचार होते हैं। अब तक के सबसे असफल गृह मंत्री कानून व्यवस्था कैसे सुधारेंगे? जीतू पटवारी के इन सवालों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता गुंजन चौकसे ने कहा कि महिला अपराध बहुत संवेदनशील मुद्दा है, कांग्रेस इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस ही पहले महिलाओं का सम्मान करना सीख लें। देखिए, महिला अपराध बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इस पर राजनीति को भुनने की कोशिश जो कांग्रेस कर रही है ये बहुत दुखद है। मध्य प्रदेश सरकार हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें जितनी भी कार्रवाई के मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं, जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई हो रही है और जो न्याय प्रक्रिया का मामला है उसमें राजनीति करने की कांग्रेस कोशिश ना करे। कांग्रेस पहले महिलाओं का सम्मान करना सीखे, उसके बाद इस तरीके की भद्दी टिप्पणी करें। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के साथ है और मध्य प्रदेश का कानून महिला अपराध में सबसे सशक्त बना हुआ है। जहां पे रेप के मामले में डेथ पेनल्टी का अगर प्रावधान है तो वो मध्य प्रदेश के कानून में बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश सरकार संवेदनशील भी है और अपराधियों को नहीं बख्शेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।